नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RGHS कार्ड में संशोधन के बारे में। अगर आपने अपना RGHS का रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन उसमें आपके कहीं कोई संशोधन करना है, आप उसमें अपना कोई भी संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऑप्शन आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वीडियो में मैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आप किस प्रकार से अपने RGHS कार्ड में सभी संशोधन कर पाएंगे, इसकी समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, सबसे प्रथम बात हम करें RGHS कार्ड के बारे में। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर RGHS कार्ड में छूट गया है, जबकि जन आधार कार्ड में उसका नाम आ रहा है, आपकी जो रसीद है जन आधार की या फिर आपका जन आधार जारी हो गया है, इन दोनों में से किसी एक में भी अगर आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम उसमें आ रहा है लेकिन आपके RGHS कार्ड में वो नाम नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप एक बात का ध्यान रखें। अगर आप पति पत्नी दोनों राज्य सेवा में हैं और आपके बच्चे 25 वर्ष या इससे कम आयु के हैं और अनमैरिड हैं, तो उन सभी बच्चों का नाम आपके RGHS कार्ड में आएगा अगर आपने उनकी आय 6000 रुपए या इससे कम मासिक उसमें दिखाई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अपने RGHS के ऑप्शन को ओपन करें। RGHS जब आप SSO में सर्च करेंगे तो अभी उसके नाम को बदल दिया गया है। पूर्व में RGHS अगर हम सर्च करते थे तो उसमें आ जाता था, अभी उसको बदलकर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कर दिया गया है। अगर आप राजस्थान लिखेंगे तो आपको उसमें RGHS का आइकन उसमें दिखाई देगा। इसके बाद में आप RGHS में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो काफी सारे ऑप्शन उसमें आपको दिखाई देंगे। उसमें आप एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, उसमें लिखा होगा एडिशन और डिलीशन मेंबर, उसको आप क्लिक करें। उसके बाद में आपके जो सभी मेंबर जन आधार कार्ड में ऐड हैं, उन सभी के नाम उसमें दिखाई देंगे। उनकी आप मैरिटल स्टेटस और इनकम उसे आप सही ढंग से चेक कर लें। आप उनमें मेडिकल स्टेटस को भरें, अगर बच्चा आपका 18 साल से ज्यादा एज का है और उसकी शादी हो गई है तो भी उस बच्चे का नाम आपके RGHS एलिजिबल फैमिली लिस्ट में नहीं आएगा। अगर आपका बच्चा 25 वर्ष से कम आयु का है और इस स्थिति में अगर उनकी आय आपने 6000 रुपए या इससे कम दिखाई है तो आपके बच्चों का नाम RGHS कार्ड में आ जाएगा। आप उनकी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक उसमें सबमिट करें। उसके बाद में आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। आपकी RGHS एलिजिबल लिस्ट जो होगी उसमें सभी बच्चे आपके या फिर ये कहें कि सभी फैमिली मेंबर आपको उसमें दिखाई देंगे। अब इसके बाद में सेकंड अगर हम बात करें, अगर आपके माता पिता उस कार्ड में शामिल हैं और माता पिता में से कोई एक अगर राज्य सेवा में है या फिर पेंशनर है और आप अगर राज्य सेवा में है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता और पुत्र पुत्री अगर राज्य सेवा में है तो इस स्थिति में या तो माता पिता का कार्ड उसमें बन पाएगा या फिर पुत्र पुत्री का बन पाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको अपना जन आधार कार्ड स्प्लिट करना है पहले, उसके बाद में अलग अलग जन आधार नंबर जारी होने के बाद में ही आपको अपना अलग अलग RGHS का पंजीयन किया जाना है। जन आधार को आप घर बैठे मोबाइल से किस प्रकार स्प्लिट करेंगे, इसकी जानकारी भी मैंने चैनल पर दी हुई है। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसकी सहायता लेकर अपने किसी भी जन आधार कार्ड को स्प्लिट कर सकते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर को एक जन आधार से दूसरे जन आधार में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपना नया जन आधार कार्ड बना सकते हैं, उसमें कोई भी आप संशोधन कर सकते हैं। इन सभी की जानकारी मैंने मेरे सभी वीडियोज में दी हुई है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सभी से रिलेटेड वीडियोज आप देख सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। और दोस्तों, RGHS से रिलेटेड भी प्रत्येक आपके शंका का समाधान मेरे द्वारा करने का प्रयास किया गया है। इन सभी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें पेंशनर की स्थिति में, अगर आप पेंशनर हैं और आपने RGHS में रजिस्ट्रेशन किया है तो पेंशनर होने पर आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनका आपके RGHS कार्ड में नाम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पेंशनर होने पर पेंशनर पर आश्रित तो उसके पति पत्नी और उसके पूर्ण रूप से दिव्यांग बच्चे ही RGHS के कार्ड में शामिल होंगे। अन्य जो सदस्य हैं वो उस कार्ड में शामिल नहीं होंगे। उनके लिए आप फैमिली स्प्लिट करके उनका नया जन आधार कार्ड जारी करके उन्हें आप चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके RGHS कार्ड में वो आपके शामिल नहीं होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, एक जन आधार कार्ड में अगर दो बच्चे हैं, दोनों राज्य सेवा में हैं और उनके माता पिता अगर राज्य सेवा में नहीं हैं, तो दोनों बच्चों में से कोई एक
राज्य कर्मचारी अपने माता पिता को अपने जन आधार कार्ड में शामिल रख सकता है और उन्हें आरजीएचएस योजना का लाभ दिलवा सकता है अगर वो माता पिता उस राज्य कर्मचारी पर आश्रित हैं और उनकी मासिक आय 6,000 रूपए या इससे कम है। और दूसरा जो राज्य कर्मचारी है पुत्र या पुत्री, उन्हें अपना जन आधार स्प्लिट करना पड़ेगा, उसके बाद में नया जन आधार नंबर जारी होने के बाद में ही उन्हें अपना आरजीएचएस का पंजीयन किया जाना है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अगर पति पत्नी दोनों राज्य सेवा में हैं, तो इस स्थिति में दोनों पति पत्नी का एक जन आधार कार्ड से ही पंजीयन हो जाएगा। उनमें से जिसकी भी एसएसओ आईडी से पंजीयन किया जाता है उसमें दूसरा जो राज्य कर्मचारी है पति पत्नी उसकी राज्य कर्मचारी से संबंधित उसमें आपको डिटेल भरनी है और आपके एक ही कार्ड से दोनों को आपको मेडिकल की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अगर आप अपना दोनों का पैसा कटवाते हैं आरजीएचएस का तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज अगर आप एक अपना पैसा कटवाते हैं तो आपको एक को आरजीएचएस का जो 5 लाख वाली सुविधा है वो मिलेगी और दूसरे राज्य कर्मचारी को मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी अगर उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या इसके पश्चात हुई है। अगर दोनों 1 जनवरी 2004 से पूर्व के नियुक्त कर्मचारी हैं तो उनको आरजीएचएस की कटौती करवाना अनिवार्य है और उनके एक ही कार्ड से दोनों की जो मेडिकल की सुविधा है वो उन्हें प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इन परिस्थितियों में अगर आपने गलती कर दी है अपने आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन को करने में तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन डिलीट करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही आपको अपना जन आधार कार्ड स्प्लिट करना है या फिर आपके जन आधार कार्ड में संशोधन करना है। तत्पश्चात आप अपनी सभी डिटेल्स को भलीभांति चेक करने के बाद में ही पुनः आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर आपके इन सभी सवालों के अतिरिक्त कोई मन में शंका है, आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके आपकी समस्या को बता सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि सभी कमेंट का मैं जवाब दे पाऊं, आपकी सभी समस्याओं का मैं निराकरण कर पाऊं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट करें जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाभारत।